वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो बिगनर्स लेवल की है और बहुत आसान है यूज करने में। इसमें सिर्फ आपको डिसिप्लिन रहना है और रिस्क मैनेजमेंट का खासा ध्यान देना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं ये हटा देता हूँ। आपको यहाँ पे स्टडीज में जाके पिवट पॉइंट्स ये इंडिकेटर लगाना है अपने चार्ट पे और 10 मिनट्स का कैंडलस्टिक लेना है। अब स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है, जब भी 10 मिनट्स का एक कैंडलस्टिक खुले, पहला कैंडल, उसके बाद कोई भी कैंडल, ये लाइन जो लाइन आप देख रहे हैं ऊपर और ये नीचे है, इन्हें पिवट लाइन बोलते हैं या पिवट पॉइंट्स बोलते हैं, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। ये लाइन को जो भी कैंडलस्टिक ऊपर या नीचे को क्रॉस करे, आपको नेक्स्ट कैंडल पे सेल लेना है। अगर ये कैंडलस्टिक ने नीचे क्रॉस किया है तो आपको एक सेल का बायस लेना है। अगर इस कैंडलस्टिक ने ऊपर क्रॉस ओवर किया होता तो आपको बाय का एक बायस लेना था। जैसे कि ये कैंडल आप देख सकते हैं, दिस कैंडल 9:15 को ये खुला, 9:25, फिर 9:35 पे इसने ये लाइन को क्रॉस दिया। आपको नेक्स्ट कैंडल पे सेल करना था जो था अराउंड 26,829 और स्टॉप लॉस आपको प्रीवियस कैंडल के हाई पे रखना था। ये बहुत ही आसान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसमें आपका जो विन रेशियो है, एक्यूरेसी है, वो अराउंड 75% है। मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड लेंगे तो 10 ट्रेड में से 7 या 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे और 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन जो स्टॉप लॉस हिट होगा वो बहुत मिनिमल होगा और जो ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे वो बहुत ही ह्यूज मार्जिन के होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 9:35 पे इसने क्रॉस ओवर दिया लाइन पे, 9:45 पे हमें इसको सेल किया अराउंड 26,829 पे और इसने लो बनाया 26,150 का, तो करीब करीब 700 पॉइंट का इसने प्रॉफिट दिया। 1 लाख बैंक निफ्टी का अराउंड 20 का होता है, तो 20 × 700 ₹14,000 का एक लॉट पे आपको प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है ये, पहली कैंडल खुली, सेकेंड नहीं, थर्ड कैंडल ने ऊपर को मूव अप किया, आपने उसके नेक्स्ट कैंडल पे जो 9:35 की कैंडल थी उसने क्रॉसओवर दिया लाइन का, 9:45 के आपको बाय करना था और ये देखिए, ये 9:45 पे आपने बाय किया अराउंड 27,667 पे और इसने यहाँ तक का हाई दिया, मान लीजिए 27,787, 150 पॉइंट आपको मिल गए। सेम वे यहाँ पे देखें, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका, देखिए स्टॉप लॉस के भी ट्रेड हुए, 9:15, 9:25, 9:35, 9:45 पे इसने सेल ऑर्डर दिया, सेल किया आपने और इसने रिवर्सल दे दिया और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया अराउंड 100 पॉइंट्स का। कोई बात नहीं, मिनिमल स्टॉप लॉस हिट हुआ। नेक्स्ट 9:15 पे कैंडलस्टिक खुली और 10:15 पे इसने क्रॉसओवर दिया, 10:25 पे आपने सेल किया होता अगर 28,924 रुपए पे, तो ये 28,400 तक का नीचे आया था, तो 900 से 300 तक का 600 पॉइंट, करीब करीब 12,000 रुपए एक लॉट में आप बना सकते थे। तो ये स्ट्रैटेजी सिंपल सा ये है कि एक्यूरेसी इसकी 70-65% है और फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि 10 अगर आप ट्रेड ले रहे हो, 10 में से 7 या 6 सही होंगे, 4 या 3 में स्टॉप लॉस हिट होगा और 4 और 3 में जो स्टॉप लॉस हिट होगा वो बहुत मिनिमल होगा। आप इसको कोई भी स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ये बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स है उसमें ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मूव आ जाता है और पैसा भी अच्छा बन जाता है। सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी फॉर टुडे। टिल देन थैंक यू एंड ट्रेड वेल।